Now, the simple past tense sometimes called the pretrite. Pretrite is used to talk about a completed action in a time before now. अभी से पहले जो काम हो चुका वो आपका अतीत है. That is past. It is the basic form of past tense in English. The time of the action can be in the recent past or the distant past. And action duration is not important. जो काम हो चुका है, चाहे आपने अभी खत्म किया है, चाहे आपने बहुत पहले खत्म किया है, that all come under simple past. Example, John Cabot sailed to America in 1498. 1498 कितना distant past है. So, इसको हम लोग simple past में हमने लिखा. My brother bought a house. लास्ट ईयर पिछले ही साल मेरे भाई ने घर खरीदा. तो ये भी सिंपल पास्ट है. और कैसे हम सिंपल पास्ट समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ वर्ब जो है वो चेंज हो जा रहा है, उसका जो फॉर्म है रूट वर्ब इज गोइंग टू हैव दैट पास्ट फॉर्म. तो बॉट का जो रूट वर्ब है क्या है, वो बाय है, बाय एंड देन इट इज बॉट. Buy bought. Buy is a present and bought is past. He lived in India in 1976. कितना distant past है, हमने उसको lived लिखा. We crossed the river yesterday. और कली की बात है, cross the river yesterday. तो हम लोग recent past और distant past दोनों को हम simple past में लिख सकते हैं, बता सकते हैं. We always use the simple past when we say when something happened. जब कुछ हुआ था, so it is associated with certain past time expressions. तो हम जब उसको simple past लगते हैं, तो हम कुछ expressions देते हैं, जो certain expressions होते हैं, जो clues होते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि simple past है. जैसे suppose frequency हमें जाननी है, often, sometimes, always. I sometimes walked home at lunch time. कभी कभी मैं lunch time में walk करता था. I often brought my lunch to school. अभी मैं एक earning member of the family हूँ, लेकिन जब मैं school में था तो often brought my lunch to school. Right? तो ये देखो frequency, often, sometimes. तो हम जब कोई past की चीज हम बता रहे हैं, तो in these things we can use. Now, a definite point in time. तो जब ये देखो last, ये last मतलब क्या, बीता हुआ, last week, पिछला. When I was a child, जब मैं छोटा बच्चा था, I was a child yesterday, 6 weeks ago. तो ये कुछ words हैं, last week, ago. When I was yesterday, तो इससे पता चलता है कि ये जो sentence है, ये past tense है. हम लोग exam में क्या करते हैं, sentences देते हैं और आपको to be form भरना रहता है कि did लिखना है कि do लिखना है. तो अगर आपको ये सारे words याद रहेंगे, तो आप easily you can understand कि अरे यहाँ ये word है, that means this is simple past. We saw a good film last week. अब last week इस sentence का clue है. अब मैंने ये 100 हटा दिया, मैंने कहा कि यहाँ पर क्या है आपको लिखना है. तो वी डैश अ गुड फिल्म लास्ट वीक. लास्ट वीक से आपको पता चला कि यहाँ पर 100 होगा, सी नहीं होगा. क्यों सी नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट वीक की बात पूछी जा रही है, तो ये सिंपल पास्ट है. यस्टरडे आई अराइव्ड इन जिनेवा. कल की बात है, बीते हुए कल की, तो आई अराइव्ड. शी फिनिश्ड हर वर्क एट 7 o'clock. अभी रात के 11 बज रहे हैं, उसने 7 o'clock में अपना काम फिनिश कर लिया था. तो दैट इज व्हाट रिसेंट पास्ट. आई वेंट टू द थिएटर लास्ट नाइट. तो यहाँ वेंट होगा, क्योंकि लास्ट नाइट से हमें पता चल रहा है कि हमें अतीत, ये सिंपल पास्ट है, तो हमें पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है.
एन इनडेफिनिट पॉइंट इन टाइम. जब हम एन इनडेफिनिट पॉइंट इन टाइम करते हैं, जैसे द अदर डे, एजेस अगो, अ लॉन्ग टाइम अगो, पीपल लिव्ड इन केव्स अ लॉन्ग टाइम अगो, हम कहते हैं ना, तो लॉन्ग टाइम अगो, अगो मीन्स आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए, दिस इज सिंपल पास्ट. शी प्लेड द पियानो व्हेन शी वाज अ चाइल्ड. देखो, जब वो बच्ची थी तब वो पियानो बजाती थी. थी 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 मीन्स ऑल पास्ट. वी यूज अ सिंपल पास्ट टू टॉक अबाउट अ पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग, सच एज द वे समवन फेल्ट अबाउट समथिंग. अतीत में हम क्या सोचते थे, हम क्या थे, तो उसके बारे में हम जब बात करेंगे तो हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं. क्या फॉर्मेट है? टू बी एंड एन एडजेक्टिव. पहले टू बी, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन या प्रोनाउन, एंड देन प्रपोजिशनल फ्रेज. संदीप वॉज प्राउड ऑफ हिज विक्ट्री. द कॉन्टेस्ट वॉज द हाईलाइट ऑफ द वीक. तो हमने देखो, टू बी क्या है, हमने एडजेक्टिव लिख दिया है, राइट. नाउन या प्रपोजिशनल फ्रेज, द हाईलाइट ऑफ द वीक, प्राउड ऑफ हिज विक्ट्री. तो हमने क्या किया यहाँ पर, प्रपोजिशनल फ्रेज और हमने नाउन और प्रपोजिशनल फ्रेज को हमने यूज किया है. तो ये एक फॉर्मेट है जिस तरह से हम यूज कर सकते हैं, सिंपल पास्ट हम लिख सकते हैं. नाउ यूज ऑफ सिंपल पास्ट, कहाँ कहाँ सिंपल पास्ट यूज होगा. एक्शन इन द पास्ट टेकिंग प्लेस वंस, नेवर और सेवरल टाइम. एक बार हुआ है या फिर कई बार हुए. ही विजिटेड हिज पेरेंट्स एवरी वीकेंड. एक्शंस इन द पास्ट टेकिंग प्लेस वन आफ्टर द अदर. एक खत्म हुआ, दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ. ही केम इन, टुक ऑफ हिज कोट एंड सेट डाउन. वो आया, उसने अपना कोट लिया, कोट उतारा और बैठ गया. टुक ऑफ हिज कोट एंड सेट डाउन. तो हमने देखा सिंपल पास्ट केम, टुक ऑफ एंड सेट डाउन. तो हमने देखा कि हम जब अतीत की बात कर रहे हैं, अतीत के किसी घटना का वर्णन कर रहे हैं, तो हमने कैसे सिंपल पास्ट को यूज किया. एक्शंस इन द पास्ट टेकिंग प्लेस इन द मिडिल ऑफ अनदर एक्शन. जब किसी एक्शन के बीच में कोई दूसरा एक्शन ऐड होता है. फॉर एग्जांपल, व्हेन आई वाज हैविंग ब्रेकफास्ट द फोन सडनली रैंग. जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, द फोन सडनली रैंग, तुरंत ही दूसरा एक्शन हो गया, जब फोन बज उठा. दैट मीन्स यहां हम सिंपल पास्ट करते हैं. इफ सेंटेंसेस आर कंडीशनल, जब वो कंडीशनल है, तो इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, यदि मेरे पास बहुत रुपये होते, आई वुड शेयर इट विद यू, मैं तुम्हारे साथ शेयर करता. तो कंडीशनल, अभी मेरे पास नहीं है. इफ आई हैड, तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने आई वुड शेयर विथ यू, हमने सिंपल पास्ट का यूज किया. नाउ कैसे हम लोग सिंपल पास्ट फॉर्मेशन में लाते हैं. अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ईडी. आई सब्जेक्ट स्किप इज अ वर्ब एंड ईडी इज द फॉर्मेट. सो ऑलवेज रिमेम्बर, जब हम स्किप्ड लिखते हैं तो हम डबल पी लिखेंगे, राइट. पर स्किप की स्पेलिंग SKIP है, लेकिन जब हम स्किप्ड लिखेंगे तो डबल पी लिखेंगे. नेगेटिव कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस इन्फिनिटिव विदाउट टू. टू नहीं लगाना, दे डिड नॉट गो, राइट. दे डिड नॉट गो, तो यहां डिडंट, डिड नॉट गो. अच्छा, यहां देखो, अगर सब्जेक्ट, यहां सबसे अच्छी बात क्या है पास्ट टेंस में, वट एवर द सब्जेक्ट इट इज, अगर सिंगुलर है तो यहां पर, और अगर प्लूरल है तो यहां पर डिडी लगेगा. देर इज नो चेंज वेदर इट इज सिंगुलर और वेदर इट इज प्लूरल. कोई भी वर्ब है उसमें ईडी ही लगेगा, राइट. सो पास्ट टेंस की सबसे बड़ी खासियत यही है, या नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से जो फॉर्म है, वर्ब का फॉर्म है, इट रिमेन्स द सेम, इट इज डिड इन सिंपल पास्ट एंड द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब.
Now, interrogative, did plus subject plus infinitive without to, did she arrive? तो देखो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है लेकिन इसके साथ भी हमने डिड लगाया. इंट्रोगेटिव नेगेटिव डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू डिडंट यू प्ले. क्या आप नहीं खेले? डिडंट यू प्ले. तो यहां पर देखो सेकेंड पर्सन है फिर भी हमने डिड लगाया. डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू. तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जब हम सिंपल पास्ट करते हैं तो यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि नंबर एंड पर्सन के हिसाब से वर्ब्स चेंज नहीं होते. इट रिमेन्स द सेम. इट्स डिड ओनली एंड द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. नाउ सिंपल पास्ट टेंस ऑफ टू बी टू हैव टू डू. नाउ सब्जेक्ट देखो फर्स्ट प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर है तो यहां पर वॉज हैव हो जाएगा हैड डू हो जाएगा डिड. राइट. यू और प्लूरल है तो बी वर हो जाएगा हैव हैड हो जाएगा डू डिड हो जाएगा. वट एवर द नंबर ऑफ पर्सन्स जो सिंगुलर जो है वो वॉज होगा प्लूरल जो है वो वर होगा प्लस यू. यू प्लस प्लूरल हमेशा वर होगा. जो हैव है वो हैड हो जाएगा डू जो डिड हो जाएगा. और अगर सिंगुलर है थर्ड पर्सन है तो वॉज रहेगा हैव हैड हो जाएगा डू डिड हो जाएगा. देयर इज नो चेंज. देखो हैड हैड दोनों में है एंड डिड दोनों में है. सिर्फ यहां एक वेरिएशन है विथ प्लूरल एंड यू इट इज वर एंड विथ सिंगुलर इट इज वॉज. नाउ सिंपल पास्ट इरेगुलर वर्ब्स टू गो. ऑलवेज रिमेम्बर जो इरेगुलर वर्ब्स है उनके फॉर्म्स चेंज होते हैं. देयर इज अ लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब्स इन द ग्रामर चैप्टर्स. प्लीज गो थ्रू दैट बिकॉज इरेगुलर वर्ब्स चेंज कम्प्लीटली व्हेन दे आर यूजिंग इन द पास्ट टेंस. जैसे गो है गो बिकम्स वेंट. ही वेंट टू क्लब लास्ट नाइट. अगर आपने गोज लिखा लास्ट नाइट में तो इट विल कंसिडर रॉन्ग. Did he go to the cinema last night? क्योंकि did हमने past form में लिखा है तो always a first form of verb. Did he go? Did he went? कभी नहीं. He didn't go. जब हमने did लिख दिया है तो हमेशा first form of verb, root verb. Now give के साथ we gave her a doll for her birthday. तो यहाँ पर आपने देखा ये affirmative है, ये आपका interrogative है, ये आपका नेगेटिव है. तो सेम हेयर ये अफर्मेटिव में वी गेव हर अ डॉल फॉर अ बर्थडे. दे डिडंट गिव जॉन देयर न्यू एड्रेस. देखो डिड के साथ हमने गिव लगाया, हमने गेव नहीं दिया. डिड सीता गिव यू माय पासपोर्ट. तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया. नाउ द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ सम इरेगुलर वर्ब्स लुक्स एग्जैक्टली लाइक द रूट फॉर्म. कोई चेंज नहीं है. देखो पुट हमेशा पुट रहेगा, कट कट रहेगा, सेट सेट रहेगा, कॉस्ट कॉस्ट रहेगा, हिट हिट रहेगा. तो प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर पुटिंग वर्ब्स इरेगुलर वर्ब्स इन पास्ट फॉर्म. ये आपको लर्न करना है. Verbs in the simple past tense except for the verb to be don't need to agree number with their subjects. मैंने कहा था ना कि numbers के साथ उनको agree नहीं करना है except your to be that was and were. Was and were करना पड़ेगा क्योंकि singular के साथ was, plural के साथ were. लेकिन बाकी same रहेंगे. Have had ही रहेगा और do did ही रहेगा. रोहित पॉलिश्ड हिज मेडल. द अदर विनर्स पॉलिश्ड देयर मेडल टू. देखो जो वर्ब है वो सेम है जबकि यहाँ पर द अदर विनर्स ये प्लूरल है, रोहित सिंगुलर है, लेकिन हमारा वर्ब जो है सेम है. सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? वी हैव लर्न हाउ टू यूज सिंपल पास्ट, वेयर टू फाइंड सिंपल पास्ट, हाउ टू एक्सप्रेस योर past incident, recent or distant past in simple past tense and how to use the regular and irregular verbs. Always remember you will have to be very careful in learning verbs, irregular verbs because their forms changes. In the next class, I will be here with some new grammatical lessons. Till then, have a good revision and wait for my class. Thank you.